टू देखिए क्या कह रहा है कि इफ 10x/2 इक्वल टू में m बाई एन, देन द राइट द वैल्यू ऑफ किसका, m साइन x माइन प्लस का n cos x। तो चलिए हम लोग इसको 10x/2 के फॉर्म में करते हैं। m साइन x का 10x/2 के फॉर्म में हो जाएगा 2 tan x/2 बाई में 1 प्लस का 10 square x/2 और प्लस n इंटू में 1 minus 10 square x/2 और बाई में 1 प्लस का 10 square x/2। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस का 10 square x/2 यहाँ पर हो जाएगा 2m tan x/2 प्लस का n माइनस का n tan square x/2। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग 10x/2 का वैल्यू m बाई एन रखने वाले हैं ना जी। 2m इंटू में m बाई एन प्लस का n माइनस का n इंटू में m बाई एन और बाई में नीचे 1 प्लस का m बाई एन का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ हो जाएगा आपका 2m² बाई में n प्लस में n माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ n एक है और एक नीचे n कट जाएगा, तो ऊपर m² बचेगा और नीचे आपका n बाई में 1 प्लस का m² n² यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो आ जाएगा m² n प्लस का n बाई में नीचे 1 प्लस का m² n². चलिए एलसीएम लेते हैं n, तो हो जाएगा m² + n² और नीचे एलसीएम लेते हैं n² तो आ जाएगा m² + n² ये वाला टर्म कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, तो यानी कि सिंपली आपका एन बच जाएगा, इसका आंसर समझ गए। क्वेश्चन नंबर